जूझ रहे हैं, पूरी पूरा समाज इस वायरस से लड़ रहा है, इस वबा से लड़ रहा है। ऐसे में प्रोटोकॉल जो है SOPs है सबको मालूम है, मुझे दोहराने की भी जरूरत नहीं है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना है, उसके बाद सैनिटेशन, हैंड हाइजीन वगैरह। उसके साथ साथ अहम बात यह है कि पिछले साल जब वायरस था तब वैक्सीन नहीं था, आज वैक्सीन है। और मैं आपके चैनल के जरिए सभी श्रीनगर वालों से अपील करता हूं कि जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन की जो डोज है वो लें। उसके साथ साथ जो SOPs हैं वो वक्तन फक्तन जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी तरफ से आते हैं। मिसाल के तौर पर जो आज की डायरेक्शन है कि मार्केट जो है, हमारे मार्केट्स हैं वो 50% कैपेसिटी पर चलेंगे, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उस पर कैपेसिटी रिड्यूस की गई है। तो इसी तरीके से आपको मालूम होगा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं और उनमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डायरेक्शंस दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से ये सारे SOPs का पार्ट है और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस जो एडहेरेंस टू SOPs को हम सजा न समझें बल्कि इसको अपनी जिम्मेदारी समझें। कोई खास इंतजाम सरकार की तरफ से ताकि ये बीमारी न फैले? देखिये, सरकार ने वक्तन फक्तन जो SOPs हैं वो इशू किए हैं, उसके साथ साथ डूज एंड डोनाट्स जो हैं उनके बारे में भी बताया है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ सरकार को नहीं लड़ना है बल्कि पूरे समाज को मिलकर लड़ना है। और हमें हमारी कलेक्टिव जो रिस्पांसिबिलिटी है हमें उसको समझना है और हम सबको मिलकर इस पेंडेमिक से लड़ना है। जब तक हम सभी इकट्ठे मिलेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और अहम बात यह है कि मिसाल के तौर पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है, अब अगर ये उम्मीद रखी जाए कि हर जगह वायलेटर को पकड़ने के लिए पुलिस एक एक के पीछे घूमे, मैजिस्ट्रेट एक एक के पीछे घूमे, वो मुमकिन नहीं होता। इसलिए जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो स्प्रेड के ट्रेंड्स हैं पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली उसमें हमारी भी हिफाजत है, हमारी फैमिलीज की भी हिफाजत है और हमारे पूरे समाज की हिफाजत है उसमें। कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज यही है, मैं मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगा तमाम श्रीनगर जिले के रहने वालों से कि अवलीन फुर्सत में वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। एक नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।